तो तमाम निगमों, प्राधिकरणों और आयोगों में मंत्री पद के दर्जे के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदों की आस लगाए बीजेपी नेताओं को नए साल में दायित्व का गिफ्ट मिल सकता है, दायित्व का गिफ्ट मिल सकता है। खबरें हैं कि 100 में से लगभग 30-40 ऐसे नेता हैं, वैसे दावा किया जा रहा है, इन दावों में कितना दम है यह मालूम नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि शॉर्टलिस्टेड किए गए नाम, सूची तैयार है, लिस्ट तैयार है, बस केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। चर्चाओं में दम हुआ तो मुख्यमंत्री धामी जनवरी में 25 से 30 नेताओं को दायित्व देकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं, यानी दायित्व का लड्डू। वैसे पिछले 8 महीने से तमाम वजहों से दायित्व का मसला लटका अटका और भटका हुआ था, क्योंकि कभी चंपावत का उपचुनाव था तो कभी हरिद्वार में पंचायत का चुनाव, और हां पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में फेरबदल इसके पीछे एक वजह थी। इस बीच पार्टी के भीतर से यह आवाज उठ रही थी कि जब दायित्व देना ही है तो इसमें देरी क्यों। चर्चा तो इस बात की भी है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कुछ एक पूर्व विधायक, पूर्व दायित्वधारी, क्षेत्र में विशेष पकड़ रखने वाले कार्यकर्ताओं को उनकी कसौटी के आधार पर परख कर दायित्व का लड्डू दिया जाएगा। लेकिन क्या वाकई दिया जाएगा? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बेहद दिलचस्प चर्चा होगी, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, लेकिन पहले जरा ये रिपोर्ट देखिए। तो क्या वाकई में दायित्व की दौड़ में 100 से ज्यादा भाजपाइयों की मुराद अब पूरी होने जा रही है? जी, उत्तराखंड बीजेपी संगठन के मुखिया यानी कि प्रदेश अध्यक्ष की बातों पर यकीन करें तो दायित्वधारी जल्द ही कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा करवाने के लिए लड्डुओं का ऑर्डर बुक करवा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट संदेश दे रहे हैं कि 2 स्तर की बैठक हो चुकी है, नामों पर चिंतन और मंथन भी हो चुका है, लगभग नाम तय भी हैं, बस प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से 1 स्तर की चर्चा बाकी है, जिसके बाद दायित्वधारियों की लिस्ट सरकार को सौंप कर सबकी मुराद पूरी कर दी जाएगी। बताते हुए खुशी है कि बहुत जल्दी हम लोग अपने संगठन के विस्तार को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे अभी 3 जिले कुछ कारणों से रुके हुए थे, उनकी घोषणा हम आज रात तक कर देंगे। हमारे मात्र 2 मोर्चे रह गए प्रदेश स्तर के, उनकी भी हम घोषणा आज या कल के बीच में कर देंगे। इसके बाद हमारे मंडलों के संगठन के विस्तार के लिए हमने प्रदेश की टीम बना दी, वो टीमें सभी विधानसभाओं में जाएंगी, मंडल का पैनल आएगा, और मुझे बताते कुछ हम 10 जनवरी तक अपने मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर देंगे। जहाँ तक सरकार के दायित्व का विषय है, उसमें हमने लगभग 2 स्तर पर हमारी बैठक हो चुकी है। अभी हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम जी, उनके साथ हमारी बैठक प्रस्तावित है, उस बैठक के बाद सूची सरकार को दे देंगे। तो क्या वाकई में नए साल के जश्न के बीच दायित्व के लड्डू से बीजेपी अपने नेताओं का मुंह मीठा करवाएगी? क्या वाकई में बरसों से चली आ रही दायित्व की मुराद अब जल्द ही पूरी हो जाएगी? वैसे बीजेपी संगठन के नेता भी दावा कर रहे हैं कि दायित्वों के बंटवारे के बाद राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ेगी। वैसे मसला दायित्व का है और दायित्व के लड्डू का है, ऐसे में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सबके सुर एक जैसे ही सुनाई देते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक दायित्व को लेकर फिर से एक उम्मीद जताई है लोगों के मन में, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरी तरीके से संतुष्ट है, और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अध्यक्ष जी ने कहा है कि नए साल में कार्यकर्ताओं को तोहफा मिलेगा, तो जो भी बात उन अध्यक्ष जी ने कही उस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, और कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है कि नए साल में उनको नया तोहफा मिलेगा। बिल्कुल दे, निश्चित रूप से देनी भी चाहिए, लेकिन सरकार जनता के सामने प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी रखे, उसकी आर्थिक जो स्थिति है वो भी रखे, कि कितने कर्ज में हम डूबे हुए हैं और कितना हमारा ब्याज जा रहा है, हर महीने बाजार से कितना उठाना पड़ रहा है, क्या नए स्रोत आपने आमदनी के सृजित किए हैं, और
ये जो दायित्व आप बांटेंगे ये केवल लॉलीपॉप भर रहेगा या ये लोग कुछ काम भी करेंगे या सिर्फ प्रदेश के दामाद बनकर रहेंगे, ये भी भारतीय जनता पार्टी को साफ करना चाहिए। वैसे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब तक सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही दायित्व की सौगात दे चुके हैं, लेकिन अब जब पार्टी संगठन सरकार पर दबाव बनाकर दायित्व देने की पुकार लगा रही है तो फिर उम्मीद है कि इस बार सरकार दायित्व की सौगात का सपना जल्द पूरा कर दे। मगर हकीकत ये है कि दायित्व के दावेदारों की फौज भी इस बात का सबूत है कि ये फैसला भी दो धारी तलवार की भांति है, क्योंकि जिन्हें मिले उसकी तो बल्ले बल्ले और जिन्हें दायित्व ना मिले वो पार्टी के लिए बवाल। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड में भी दायित्वों की एक अलग कहानी है, कई दिलचस्प किस्से जुड़े हैं दायित्व से भी और दायित्वधारियों से भी। आज उन्हीं इतिहास के पन्नों को भी पलटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये दायित्व का मतलब उत्तराखंड में है क्या। सीधा रुक कर रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान जुड़ चुके हैं। गरिमा दसोनी कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, पार्टी की तेजतर्रार प्रवक्ता हैं। अरविंदर बिष्ट हमारे से जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। कुछ ही देर में बीजेपी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन गरिमा जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से कर लेता हूं, ये लगता है आपको कि ये कर पाएंगे दायित्व? मतलब समझ रहे, दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। और आप, वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि चाय पी रही हैं इस वक्त, चाय कॉफी, लेकिन दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है कि नहीं गरिमा जी? आपका सवाल बहुत बहुत वाजिब है, इस वजह से वाजिब है कि वैसे तो ये पूरे समय प्रोजेक्ट करते रहे कि कांग्रेस पार्टी धड़ों में बटी हुई है, लेकिन उत्तराखंड भाजपा का कितना बुरा हाल है वो या तो मीडिया जानता है या विपक्ष जानता है, जनता तक वो खबरें शायद नहीं पहुंच पा रही है। हम भली भांति परिचित है कि कितने खेमों में बटी हुई है भाजपा। हर खेमे को साध पाना, हर खेमे से कार्यकर्ता को चयनित कर पाना और खुश कर पाना, संतुष्ट कर पाना, यानी कि आप त्रिविंदर खेमे से तीन को दायित्व दे दोगे, तीरथ खेमे से दे दोगे, अजय भट्ट खेमे से दे दोगे, अनिल बलूनी जी को खुश करने की कोशिश करोगे, निशंक जी अलग है, कोश्यारी जी अलग है, तो यानी कि इनके वहां इतने नेता है और उन नेताओं के अलग अलग समर्थक है, मतलब क्लियर कट माथे पे लिखा हुआ है कि ये निशंक के, ये अजय भट्ट के, ये महेंद्र भट्ट के, तो कार्यकर्ता के माथे पे जैसे लिख दिया जाता है ना उसके नेता का नाम, उस तरह से स्टैंप और मोहर लगी हुई है माथे पर। यही कारण है कि अभी तक दायित्व देने से बचते रहे पुष्कर सिंह धामी। तो गरिमा जी, आपको क्या लगता है कि धामी जी को कौन सा मॉडल अपनाना चाहिए, क्या तिवारी जी वाला या फिर विजय बोगड़ा जी वाला? मेरे हिसाब से राज्य इस वक्त दायित्वधारियों की फौज को तनख्वाह देने के लिए बिल्कुल उसका जो आर्थिक स्थिति है राज्य की वो मुफीद नहीं है। इसीलिए मैंने, आपने बाइट भी लगाई थी, मैंने उसमें भी पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि डबल इंजन की सरकार पाने के बाद उत्तराखंड राज्य के वासियों का क्या भला हुआ। नहीं, उस पर तो मैं आऊंगा दायित्वधारियों के। मैंने आप मेरे सवाल को गोल कर गई, मैं आपकी काबिलियत का कायल हूं। मुझे सिर्फ इतना बताइए कौन से फॉर्मूले को अपनाना चाहिए, तिवारी जी वाले को या फिर बोगड़ा जी वाले फॉर्मूले को? मैंने साफ तौर पे कहा कि तिवारी जी वाले फॉर्मूले को मैं बिल्कुल भी सही नहीं मानती हूँ। लाल बत्तियों की बंदरबांट नहीं होनी चाहिए, मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में कि तिवारी जी प्रोबेबली शुरुआती सरकार थी, पहली चुनी हुई सरकार थी, तो शायद वो इस बात को भांप नहीं पाए कि धीरे 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 हम कितने कर्ज में, जब तिवारी जी का रेजिम था, कार्यकाल था, हम 4 या 5 हजार करोड़ के कर्ज में आए उस वक्त, और आज की तारीख में हम 90-95 हजार करोड़ के कर्ज में है, यानी कि हर उत्तराखंड वासी का बाल बाल रुआ रुआ डूबा हुआ है कर्ज में, नए पैदा हुए बच्चे पर कर्ज हो जा रहा है यहाँ। तो अब आप सोचिए कि सरकारों को चिंता करनी होगी, पर उसकी भी चिंता करनी होगी, ब्याज जो जाता है उसकी चिंता करनी होगी, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए जो बाजार से बार बार उधार लेना पड़ रहा है उसकी भी चिंता करनी होगी। आप केवल लॉलीपॉप या झुंझुना पकड़ाते नहीं जा सकते। अगर एक ने किसी ने कोई परिपाटी शुरू की है तो सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को। सवाल आगे भविष्य के सवाल की संभावनाओं को ही आपने समाप्त कर दिया।
हैं? नहीं मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, मैंने तभी मैंने क्योंकि मधु भट्ट भी हमारे साथ जुड़ गई है, मैंने तभी दो मॉडल का जिक्र किया था, मैंने तभी दो मॉडल और आप ही के राज्य के मुख्यमंत्रियों का जिक्र किया मैंने, दायित्व को लेकर मॉडल बता दू। मान लिया हरीश रावत जी का बता दू, तिलक जी हरीश रावत जी ने दायित्व दिए, आप लास्ट का उनका एक साल उठाइए, दो साल तो बमुश्किल वो मुख्यमंत्री रहे, लास्ट का एक साल उठाइए, उन्होंने दायित्व दिए लेकिन बिना तनख्वाह के, बिना ऑफिस के, बिना ऐशो आराम के, बिना ऑफिस के, बोलिए ना, मैं तो बोल रहा हूँ बिना ऑफिस के भी है, बिना ऑफिस के दायित्वधारी थे, बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ कि ब्रैकेट में लिखा होता था कि इनको कोई तनख्वाह पानी नहीं होगी, इनको कोई गाड़ी घोड़ा नहीं होगा, इनको कोई स्टाफ नहीं होगा। मैडम मैंने तभी कहा था आप लोग चाय को भी दूध की तरह छात फूक फूक कर पी रहे दायित्व के मामले में, क्योंकि आप जानते हैं कि तिवारी जी के इतिहास के वक्त आपने दायित्व को ऐसे बांट दिया था कि हर चौराहे पर लाल बत्ती दिखाई देती थी। खैर मधु भट्ट जी, तो वो शुरुआती सरकार थी, शुरुआती सरकार थी, राज्य की आर्थिक स्थिति लेकिन हो चुकी है। लेकिन गरिमा जी आप भी इस बात से इत्तेफाक, बोगड़ा जी का नाम नहीं ले रही हैं आप, लेकिन बोगड़ा जी ने कहा था, तब भी हमने कहा था कि आग से खेल रहे हैं, और उन्होंने कहा मैं कैप लगाऊंगा, लेना भी नहीं, मैं कैप लगाऊंगा 30 से ज्यादा नहीं दूंगा, और उसके बाद हुआ क्या, वही आपके सामने यही बोला था उन्होंने। मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूँ, बहुगुणा जी का नाम मैं लेना भी नहीं चाहती, जो व्यक्ति कांग्रेस का हिस्सा नहीं है उसको याद करके कोई फायदा नहीं। दूसरा, हमारे बाप दादाओं के टाइम पे कंटेनर्स के हिसाब से घी आता था घर में, बोरियों के हिसाब से चावल और आटा आता था घर में, तो आज की स्थिति है क्या, हम लोगों की वो स्थिति हो गई क्या? तिवारी जी को एक मिनट रुकिए ना मधु जी, मैं यही तो कह रही हूँ, पहली सरकार थी, छठी सरकार है, गरिमा जी एक मिनट, सत्ता में आप भी रहे, आपके भी दायित्वधारी रहे, लेकिन एक बात मधु जी, ये मैं देखिए किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, मेरा कोई इरादा नहीं है, ना मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन ये दायित्व का जो इतिहास है ना, ये जब भी मुद्दा मेरे सामने आता है फ्लैशबैक में बहुत सारे किस्से याद आ जाते हैं, हैं? बिना वो एक अलग मसला हो जाएगा अभी, लेकिन एक बात, ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे कि नहीं आप हम लड्डुओं का ऑर्डर बुक दे करें या ना करें, अब उनको बताइए लड्डुओं का ऑर्डर बुक करवाएं, क्योंकि पिछली बार हुआ ये कि जनवरी में ही हुआ कि नए साल में मिलेगा, फिर होली आ गई, फिर कहा कि नहीं होली के बाद जो है अभी जो है रक्षाबंधन पे मिलेगा, रक्षाबंधन के बाद कहा कि नहीं अभी नहीं जो है दीपावली पे मिलेगा, दीपावली के बाद कहा कि न्यू ईयर, ले बेटा पूरा साल निकल गया, इस बार ये सफेद कुर्ता पजामा है, लड्डू का ऑर्डर बुक करवाएं या ना करवाएं, टेलर का इंतजार हो रहा है, वो कह रहे हैं कि इस बार, क्योंकि मैं मेरे से भी पूछा कि भैया ये मसला चला रहे हो कुछ है ओके मामला, मैंने कहा कोई गारंटी ना है, तो मधु जी कोई गारंटी है कि नहीं? देखिए मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगी, देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई दायित्व दिया जाता है तो वो सेवा के भाव के लिए, क्योंकि प्रत्येक कार्यकर्ता जो है वो बिल्कुल जनता से जुड़ा हुआ है और जनता की सेवा करने के लिए एक माध्यम। मधु जी मैं जानता हूँ सेवा और मेवा का मतलब क्या होता है, मैं अभी उस पर आऊंगा, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब, इस बार पक्का है? देखिए जो हमारे जो संगठन है वो संगठन अगर विचार करता है कि जो कार्यकर्ता है जो वर्षों से काम कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम जनता की सेवा के लिए अगर एक माध्यम हमें मिलता है तो निश्चित रूप से बिल्कुल वो माध्यम मिलना भी चाहिए और उसको। मधु जी मैंने सवाल किया, मेरे सवाल को ध्यान से सुनिए, क्या इस बार पक्का है? देखिए अब ये तो संगठन, हमारा संगठन जो जिम्मेदारी जिस भी कार्यकर्ता को देता है तो उसमें आप इस प्रकार, ये तो सेवा का माध्यम है ना मैडम, इस वक्त पूरा उत्तराखंड आपको देख रहा है, सेवा का माध्यम है, मैं समझ रहा हूँ, पूरा उत्तराखंड जानता है सेवा का माध्यम है, लेकिन मुझे ये बताओ इस बार पक्का है? मधु मैडम इस बार पक्का है? हम चाहते हैं कि अगर हमें ये मौका दिया जाता है सेवा करने के लिए, अवसर प्रदान किया जाता है, तो ये देखिए अरविंदर जी, देखिए मैं तो इसलिए कह रहा था, मैं इसलिए कह रहा था, सब कह रहे हैं कि दायित्वधारियों को दायित्व दिया जाएगा, मैं कह रहा हूं कि अभी भी इंतजार करो, फिर नई होली आने वाली है, फिर होली में कहेंगे दीपावली आने वाली है, ये तो साल भर साल गुजर। एक मिनट अरविंदर बिश्ती, ये दायित्व का खेल क्या ये वाकई दो धारी तलवार है? निश्चित तौर पर तिलक भाई, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की परिस्थितियां बनी है, जिस तरीके की गुटबाजी इस समय पूरे, जिस तरह के मतलब बहुत सारे गुट बने हुए हैं,
तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी के लिए ये एक बड़ी चुनौती हो कि किसको दायित्व बांटे और किसको न बांटे, तो उनके लिए ये एक बड़ी बड़ी चुनौती इस समय हो सकती है। लेकिन जहां तक मैं मेरा अपना मानना है, मैं तो ये चाहता हूं कि पिछली जो सरकारें रही 20-22 सालों में, उसमें चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, और सैकड़ों दायित्वधारी बना करके इन दोनों ही सरकारों ने राज्य को जिस तरीके से लूटा, जैसे गरिमा जी ने अभी एक आंकड़ा दिया कि लगभग 90-95 हजार करोड़ का कर्जा इस प्रदेश पर है, और उसके बावजूद दायित्वधारियों को बनाने की बात हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री धामी जी को इस बात से बचना चाहिए, और ये सफेद हाथी है, क्योंकि आज तक आप देखेंगे एक भी दायित्वधारी का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा है, कोई ऐसी उसकी उपलब्धि नहीं रही हो कि उन्होंने उस विभाग में कुछ ऐसा काम किया हो जिससे लगा कि वास्तव में किसी ने अच्छा काम किया हो। तो ये दायित्व का जो बोझ है इस प्रदेश की जनता पर नहीं। गरिमा जी ने एक बात और भी कही, वो आपने सुना नहीं, गरिमा जी ने कहा कि हम इस बात को कबूल करते हैं जो तिवारी जी ने दायित्व को लेकर कदम उठाए वो कोई और सरकार ना उठाए, ये भी तो कही है, इस बात को कबूल कर रही हूँ। नहीं, मैंने ये कहा कि समय के अनुसार अपनी चादर फैलाई जाती है, चादर के हिसाब से पैर फैलाए जाते हैं। सभी लोगों ने गरिमा जी मैंने कहा कि समय और परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लिया जाता है, जितनी लंबी चादर होती है उतने ही लंबे पैर पसारे जाते हैं। आज प्रदेश की स्थिति नहीं है, उस वक्त क्योंकि तिवारी जी ही इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के बारे में लाए। नहीं नहीं, मैं सिंपल या पिंपल पे नहीं जा रहा, एक मिनट, ये मधुरी प्रदेश में आया शायद हम कर सकते थे। नहीं, गरिमा जी एक मिनट, आप अन्यथा ले गए, एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट मधुरी प्लीज, मैं क्लियर कर रही हूँ ना मधुरी, एक मिनट उनके अधिकारी के पास जाने में जो है आम व्यक्ति नहीं जा पाता, वो अपने जनप्रतिनिधि के पास आसानी से जाता है, और अगर किसी को मधु जी एक मिनट रुकिए ना, दायित्वधारियों को लेकर उत्तराखंड में मैडम आपके कार्यकर्ताओं के मन में लड्डू फूट रहे होंगे, लेकिन जो उत्तराखंड की जनता है ना वो जानती है दायित्वधारियों का मतलब क्या होता है, तो इसलिए एक मिनट रुकिए। पहली बात, मैंने तिवारी जी के व्यक्तित्व या उनके विकास पुरुष वाली छवि पर सवाल नहीं उठाया गरिमा जी, मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आपने ये कहा कि पैर उतने ही पसारे जितनी चादर है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कम से कम यह भी तो हकीकत है कि आपने भी वही किया था ना, कि पैर जितने पसारने थे आपने दो गुने पसारे, तो परिस्थितियां क्या थी कि आपने हर किसी को दायित्वधारी बना दिया था, हकीकत ये भी है। बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि जो पत्थर उठा उसके नीचे से एक राज्य मंत्री निकलता था, क्योंकि आप पुराने पत्रकार हैं और उत्तराखंड से आपका गहरा नाता रहा है, तो आपसे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा कर सकता है। आप वाकई पुराने चावल हैं इसलिए आपको ज्यादा पता है। मैंने यहाँ पर दो बातें कही कि शायद उस वक्त अफोर्डेबिलिटी थी, आज नहीं है। जो मैंने आपत्ति जताई तिवारी जी के कार्यकाल के दायित्वधारियों पर वो ये थी कि कैलिबर, योग्यता या योगदान, ये सबसे बड़ा मानक होना चाहिए किसी भी दायित्व का। ये नहीं, दे शुडंट बी एन एक्स्ट्रा बर्डन, दे शुडंट बी एन एक्स्ट्रा बैगेज। मधु जी, जो बात गरिमा जी कह रही है, इस बात को एक कार्यकर्ता के रूप में मत लीजिए कि कांग्रेस ने बोला या आम आदमी पार्टी से अरविंदर जी ने बोला, ये उत्तराखंड की एक आवाज है जो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप किसी को कोई भी दायित्वधारी बना दीजिए, किसी को भी, रामलाल श्यामलाल किसी को भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा उम्र का या कम उम्र का, मेरा सवाल ले लीजिए, फिर अपनी बात को रख लीजिएगा। मेरा सवाल ये है, मैं भी साथ में जोड़ दूं, मैं अपना सवाल भी मधु जी से जोड़ दूं, आप अपने संगठन में इम्प्रोवाइजेशन करिए ना, आप चार ही महामंत्री क्यों बनाते, आप चार ही प्रवक्ता क्यों बनाते, आपको अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना है, खुश करना है, तो 30 महामंत्री बना दो, 20 प्रवक्ता। गरिमा जी अभी रुक जाइए, फिर गलत दिशा में, ना उनके संगठन को अपने हिसाब से काम करने दीजिए, उनको अपने संगठन में काम करने दीजिए, आप अपनी टीम तैयार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, गलत दिशा में, मधु जी मैं ये कह रही हूँ ये राज्य भारतीय जनता पार्टी का नहीं है कि आप खुश करेंगे, संतुष्ट करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को।
मधु जी, मधु जी, मैं मूलतः सवाल पर आ रहा हूँ, मैं मूलतः सवाल पर आ रहा हूँ। बोगना जी का शासन काल था, तब उन्होंने बोला कि 30 से ज्यादा नहीं दूंगा, कैप है, कैपिंग कर दी मैंने। तब उस वक्त भी गरिमा जी को याद होगा, हमने तब भी कहा था कि आग से खेल रहे हैं आप, और हुआ क्या वो सब जानते हैं। हरीश रावत जी ने कहा नहीं, तिवारी जी शासनकाल वाले फॉर्मूले पर नहीं चलेंगे हम। अब मैं तब भी बात कह रहा था, अब भी ये बात कह रहा हूं मधु जी, तब खंडूरी जी भी, उनका कार्यकाल भी जोड़ लीजिए, आप जिनको भी दायित्व दें, कोई मदारी वाला ही है, अन्यथा मत लीजिएगा गरिमा जी, उस वो भी बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हर 6 महीने में उन दायित्वधारियों को बोलिए कि हमने आपको तनख्वाह दी, गाड़ी घोड़ा दिया, बंगला दिया, बताओ 6 महीने में उत्तराखंड के लिए क्या किया, एक रिपोर्ट कार्ड रखो, क्या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने इस फॉर्मूले पर अमल किया, कहा कि नहीं बेटा तुम्हें भी मिल जाएगा दायित्व, तुम्हें भी मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन पैसा तो उत्तराखंड की आवाम का खर्च हुआ, क्या आप लोगों ने उन दायित्वधारियों से पूछा कि 6 महीने में आपने क्या किया, दो रिपोर्ट कार्ड जनता को, वरना फिर दायित्व कैंसिल। मधु जी, क्या इस फॉर्मूले पर अमल हो सकता है कि नहीं? देखिए बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए हमारी सरकार में तो अब विधायक मंत्रियों के तक का रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं तक का रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है। मैडम, दायित्वधारियों का रिपोर्ट कार्ड मुझे बता दीजिए, कोई खंडूरी जी ने भी तैयार नहीं करवाया, क्या निशम जी ने तैयार करवाया? आप मुझे एक नाम बता दीजिए, किसके दायित्वधारी का, किस दायित्वधारी का रिपोर्ट कार्ड सामने आया, आप मुझे एक दायित्वधारी का नाम बताइए। देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी जो हमारा सरकार भी है, हमारी संगठन भी है, और बिल्कुल हर व्यक्ति का हर का आंकलन किया जाता है, और उसी के अनुसार उसको चाहे दायित्व तो मैं कहूँगी सेवा का माध्यम, हम किसी भी उसको हटा उसको पहले जो कांग्रेस के समय में जो लाल पट्टी लगी जाती थी, उसमें आपको देखा होगा कि सरकार कांग्रेस के जो नेता थे, जो राज्य मंत्री थे, जो इनको दायित्वधारी दायित्वधारी नाम भी नहीं था, दायित्वधारी तो हमारी सरकार ने हमारे समय में दिया, उस समय किस प्रकार की जो भ्रष्टाचार का जो चरम सीमा पर पहुंची थी कांग्रेस के समय में, तो वो उस समय इसका एक बहुत ही दुरुपयोग हुआ, लेकिन हमारी सरकार में हमारे मधु जी मेरा सवाल अभी भी वही खड़ा है जो बात अरविंदर जी के पास जा रहा हूँ मैं, क्या आप अपने दायित्वधारियों को इस आधार पे दायित्व देंगे? मैं तो जानता हूँ मैडम, इस आधार पे देंगे आप 6 महीने में, 6 महीने में अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे, वरना दायित्व ले लिया जाएगा आपसे। बिल्कुल निश्चित रूप से रिपोर्ट कार्ड, तो आज तक अभी किसी मुख्यमंत्री ने किया ऐसा? हर राज्य मंत्री का, हर मंत्री का तैयार होता है और जनता के बीच में रहता है। अरविंदर जी, अरविंदर जी, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम कर देंगे, लेकिन आज तक कभी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। मैंने तो नाम खासतौर पर लिया, खंडूरी दिन में भी नहीं कहा। तिलक जी एक बात और है, ए, 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 अरविंदर जी अपनी बात रखने बहुत देर से वेट कर रहे हैं। पैमाने पर अनदेखी होती है। मैं बताना चाहती हूँ, जो नए नवेले युवा और युवतियां आ रही है, उनको क्योंकि शॉर्टकट पता है कि कैसे शॉर्टकट काट के आप ऊपर सक्सेस पा सकते हैं। मधुबन जी है, चाहे देवेंद्र भसीन है, चाहे सुरेश जोशी है, ये सब लोग जो सीनियर्स हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको तवज्जो नहीं दी जाती। गरिमा जी, आपके यहाँ भी कई मधु जी बीजेपी से हैं, आपके यहाँ भी कई कार्यकर्ता हैं जो राजपुर रोड कार्यालय पर आते हैं और आया करते थे, वो चले भी गए, उन डंडा और झंडा उठाया, ताउम्र उन्हें दायित्व नहीं मिला, है ना? वो हर दल में होता है। एक अरविंदर जी मैंने क्या गलत प्रश्न लिया कि भाई आप अपने दायित्व कार्यकर्ताओं को दायित्व दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उत्तराखंड का पैसा अगर खर्च हो रहा है तो पूछिए कि 6 महीने में आपने क्या किया, वरना दायित्व वापिस। निश्चित तौर पर तिलक भाई, ये जो सरकार जो अपने कार्यकर्ताओं को जो ये दायित्व बांटती है, आज तक आप राज्य बनने से लेकर के आज तक देख लीजिए, कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री ने कभी उनको मॉनिटर करने का काम नहीं किया, उनकी उनकी उनको लेकर के समीक्षा बैठक लेने का काम नहीं किया। तो ये राजा महाराजाओं की तरह मुख्यमंत्री आचरण करते हैं, ये अपने दरबारी बनाते हैं और ताकि इनको सत्ता का लाभ दे सके जिस पार्टी की सरकार को। और मैं फिर उसी बात पर कह रहा हूँ कि अब परिस्थितियां वैसी रही नहीं, अब परिस्थितियां बदल गई है। राज्य 90-95 हजार रुपए के कर्जे में है, तो कम से कम इस समय इस तरह की बंदर बांट करने की बजाय, इस तरह के
अपने कार्यकर्ताओं को ये प्रसाद बांटने की बजाय जनता के हित में सोचना चाहिए और धामी जी को ये चाहिए कि अब इस प्रथा को खत्म कर दे। ये मसला सिर्फ दायित्वों का नहीं है, एक फॉर्मूला और भी है मंत्री बनाने की, जो एक फॉर्मूला और भी है, एक फॉर्मूला और भी है, एक फॉर्मूला और भी है, दायित्व धारियों का मसला नहीं है, एक फॉर्मूला और भी है कि सभी को मंत्री बना दो, दो मंत्रालय छोड़ दो, दो मंत्रालय छोड़ दो, ये फॉर्मूला गजब का है। और फिर उन दो मंत्रालयों को लेकर तुम्हारा नाम पक्का है, दूसरे वाले को बोलो तुम्हारा नाम भी पक्का है और पूरे 5 साल गुजार दो। चलते चलते मधु जी फिर वही बात जो गरिमा जी ने कही, अरविंदर जी ने कही, ये उत्तराखंड की आवाज है। एक पुराने राज्य मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री, पता क्या बोलते थे, दायित्व तो दे दिया ना, गाड़ी मिली ना घोड़ा मिला, ऑफिस तक नहीं मिला, बताओ हम काम करें तो करें क्या। किसी और की सरकार की बात कर रहा हूं, नाम मत भूलवाइएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा जी आपका भी, अरविंदा जी आपका भी, मधु जी आपका भी। तो दायित्व का मसला है, लेकिन ये दायित्व का लड्डू मीठा और कड़वा दोनों होता है। सरकार बांटते वक्त उसे मीठा दिखाई देता है और खाने वाले को भी मीठा, लेकिन जब उसका असर होता है तो वो मीठा कम कड़वा ज्यादा होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।